हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक और कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना 10th बायोलॉजी, जो कि हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, नाम था क्या, लाइफ प्रोसेस। ओके, तो आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेज स्टडी कर रहे थे। लाइफ प्रोसेसेज क्या होता है आपको पता होगा, कई बार बात कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेज हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होने वाले वो सारे बेसिक फंक्शंस, जिससे क्या होता है, वो सारे बेसिक फंक्शंस जो हमारे लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए नेसेसरी, उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेज। और लाइफ प्रोसेसेज में आपने देखा कि हमारे चार फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेज है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रिस्पायरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। जिसमें हमने न्यूट्रिशन देखा, न्यूट्रिशन क्या था, न्यूट्रिशन हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो न्यूट्रिशन और ये एनर्जी मिलेगा कहाँ से, फूड से। तो फूड को सिंथेसाइज करना या फूड को सराउंडिंग से ऑब्टेन करना और फिर उसे हमें यूटिलाइज करना, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस था वो न्यूट्रिशन में आता था। और फिर उस फूड को, मतलब कि वो फूड जो हमने अंदर लिया, फिर उसे डाइजेस्ट वाइजेस्ट करने के बाद बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है। तो पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन में होगा। और रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी रिलीज करने का जो लाइफ प्रोसेस है वो रिस्पायरेशन है। और फिर जो इन सारे प्रोसेसेज में जो वेस्ट क्रिएट होगा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट क्रिएट होगा उसे बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा वो एक्सक्रीशन होगा। तो ये तो ओवरव्यू सा हो गया। फिर हमने बारी बारी से स्टडी करना शुरू किया था। हमने पहले न्यूट्रिशन को स्टडी किया कि न्यूट्रिशन क्या है। तो अभी मैंने तुरंत बताया न्यूट्रिशन फूड सिंथेसाइज या यूटिलाइज, सिंथेसाइज या ऑब्टेन करके फिर उसे यूटिलाइज करने का प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी दो, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक में तीन, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। होलोजोइक के पांच स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। फिर हमने देखा कि अमीबा में कैसे होता है पूरा का पूरा फूड का डाइजेशन कैसे होता है, या अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। फिर हमने पैरामीशियम में देखा, फिर हमने ह्यूमन में देखा, फिर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा डिटेल्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि पहले माउथ है, बकल कैविटी है, बकल कैविटी में फिर टीथ, टंग, फिर उसके बाद जो है सो सलाइवरी ग्लैंड। फिर टंग में हमने देखा टंग के तीन पार्ट, क्राउन, नेक, रूट। फिर जो है सो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा, सलाइवा के अंदर में सलाइवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद जब बकल कैविटी से फूड अंदर जाता है तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक में आने तक में ओसोफेगल स्फिंक्टर, पायरियोलिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है तो लीवर, पेंक्रियाज, लीवर से बाइल जूस, पेंक्रियाज से पेंकेटिक जूस, लीवर के नीचे में गॉल ब्लाडर जिसमें टेम्पोरली स्टोर हुआ, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्प्शन करता है विलाई। फिर उसके बाद अपेंडिक्स, जहां लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होता है वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसम, कॉलोन, रेक्टम, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर और एनस के थ्रू इजेशन। ये पूरा प्रोसेस था हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आपने वो सब देखा था। और फिर हमने रिस्पायरेशन स्टार्ट किया, तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, वो हो गया रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में हमने देखा कि रिस्पायरेशन दो टाइप्स के, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है। फिर उसके बाद एनारोबिक रिस्पायरेशन का हमने प्रोसेस देखा, उसमें दो था, पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस और फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद या तो उसको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है या नहीं तो लैक्टिक एसिड बनाया जा सकता है। और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस था उसे फर्मेंटेशन कहते थे, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर एरोबिक रिस्पायरेशन के चार स्टेप, सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर से लेना, फिर सेल के अंदर उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना, फिर जो एनर्जी रिलीज होगा उससे एटीपी बनाना, और लास्ट स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो आउट ऑफ बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जो पहले दो प्रोसेस थे वो ब्रीदिंग में आता था, और बीच वाले जो प्रोसेस थे उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते थे, जिसकी आप जानते हैं। फिर हमने देखा रिस्पायरेशन, फिर हमने देखा कि रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में बात की, कि रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस पर गैसियस एक्सचेंज होता है रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। पांच करेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, थीन होना चाहिए, एक्सट्रीमली थीन होना चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो सारे करेक्टरिस्टिक हमने रिस्पायरेटरी सरफेस के देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जानवरों में कौन से रिस्पायरेटरी सरफेस है, जैसे यूनिसेलुलर में जो है सेल मेम्ब्रेन ही हो गया,
फिर उसके बाद अगर मल्टी सेलर की बात करें तो अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन, और एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश में गिल्स हो गया, फिर टेरेस्ट्रियल में लंग्स हो गया, और हमने ये भी देखा कि अम्फीबियंस के पास डुअल रिस्पायरेटरी सरफेस है, यानी कि जब वो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी लैंड पर होते हैं तो लंग्स होता है, और जब वो वाटर के अंदर होते हैं तो मॉइस्ट स्किन होता है। तो ये सारी बातें की हमने। फिर हमने रिस्पायरेशन अलग अलग जानवरों में देखा कि फिशेज में कैसे होता है, अर्थवर्म में कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है हमने देखा। और फिर हम आए थे रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस में। तो रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस में हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक रिस्पायरेटरी सिस्टम लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। बिकॉज हम लोग जो है वो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बॉडी है, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या होता है, ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन सिस्टम होता है। तो हमारा ऑर्गेन सिस्टम जो था रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है। और कोई भी ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन्स का बनता है, तो हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं। तो हमने उसमें देखा कि सबसे पहले नोज है, फिर नेसल पैसेज है, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है। लैरिंग्स शायद छूट गया था, आप लैरिंग्स थोड़ा सा सुन लीजिए। जहां पर फूड पाइप से ट्रेकिया अलग होगा ना, उसी को लैरिंग्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ब्रोंकाय है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाय है, लंग्स है, फिर डायफ्राम है। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। तो नोज जो होता है, नोस्टिल्स हमारा सबसे पहले बात, अगर हम बात करें इसको डिटेल्स में, तो नोज के अंदर पे दो ओपनिंग है जिसे नोस्टिल्स कहते हैं। तो दोनों नोस्टिल्स अंदर की ओर खुलता है, बीच में एक बोनी सेप्टम लगा हुआ है, सेंट्रल सेप्टम जिसे कहते हैं, जो नेसल पैसेज को दो पार्ट्स में बांटता है। फिर उसके बाद जो है सो, और हमारा जो नेसल कैविटी है या नेसल पैसेज है वो बक्कल कैविटी के जस्ट ऊपर है, दोनों के बीच में एक हार्ड बोनी प्लेट है जो दोनों को सेपरेट करके रखता है। फिर जो उसका जो इनर वाल है, नेसल पैसेज का इनर वाल है, उस पर थीन हेयर है और म्यूकस है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है या कोई माइक्रोब्स चला गया उसे ट्रैप करता है। फिर हवा अंदर जो ही हवा नेसल पैसेज में इंटर करता है तो उसे वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है और ह्यूमिड बनाया जाता है, यानी कि उसको ह्यूमिडिटी उसमें डाली जाती है, यानी कि ह्यूमिड हो जाता है। फिर उसके बाद अंदर गया तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया नेक के नीचे उतरता है, 11 सेंटीमीटर लगभग उसका लेंथ था और 1.5 to 2 सेंटीमीटर के आसपास में उसका डायमीटर था। कार्टिलेजनस रिंग्स से सपोर्टेड होता था जिससे कि वो कोलेप्स न कर जाए। और फिर वो ट्रेकिया नीचे उतरता था और नीचे उतर के दो पार्ट्स में बट जाता था, देखे थे आप, जिसे हम ब्रोंकाई, ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहते थे। एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, एक ब्रोंकाई राइट लंग में, तो एक एक ब्रोंकस दोनों में गया। और लेफ्ट लंग जो था उसमें दो लोब्स वाला लंग था, यानी कि इसके अंदर में जाते ही ब्रोंकस जो है वो दो ब्रोंकाई में बट जाएगा और फिर दोनों लोब्स में एक एक चला जाएगा। और जो हमारा राइट लंग था वो तीन लोब वाला लंग था, यानी कि जो राइट लंग था वो साइज में लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग की तरफ हर्ट होता है तो थोड़ा सा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो फिर राइट लंग में तीन लोब्स हुए, तो फिर वहां अंदर में जाता है, लोब के अंदर में जब ब्रोंकाई पहुंचता है या ब्रोंकस पहुंचता है तो फिर वो लगातार उसमें रिपीटेड डिवीजन होता है, यानी कि वो और पतले पतले ब्रांचेज उसमें से निकलते हैं। देखें ये लगातार फिर ब्रांचेज 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 निकलता गया और बहुत बार ब्रांचिंग होने के बाद, री ब्रांचिंग, री डिवीजन होने के बाद लास्ट में जो उसका एंड होता है वहां पर एक क्लस्टर होता है एयर सैक्स का, यानी कि एयर बैलून लाइक, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स का एक क्लस्टर होता है, यानी कि ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाय। और यही एल्वियोलाय जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि एयर और हमारे बॉडी के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो इसी एल्वियोलाई से होगा, इसी एल्वियोलाई पर होगा। यानी हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस अगर देखा जाए, लंग के अंदर में अगर रिस्पायरेटरी सरफेस, एक्चुअल रिस्पायरेटरी सरफेस देखा जाए तो वो क्या है, एल्वियोलाई है। और हमने देखा कि एक लंग के अंदर लगभग 300 to 400 million, यानी कि लगभग 40 करोड़ के आसपास एल्वियोलाई होता है। और उसके ऊपर में ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होता है जो वहां से ऑक्सीजन को बॉडी तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी बैक या प्रीवियस लेक्चर तक में, इतनी बातें हम कर चुके थे। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। और आज हम लोग उससे आगे का शुरू करते हैं, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है हमारे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, उसे शुरू करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक होगा, बहुत थोड़ा देर का होगा, तो उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा और आज के बाद तो हमारा रिस्पायरेशन क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास दो टॉपिक बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे से। आज हम इसको खत्म करते हैं। तो चलिए ठीक है, तो ह्यूमन में आपने देख लिया, ये सारा डायग्राम आप देख रहे हैं, जो डायग्राम आपके कॉपी में बन भी गया होगा, नोट्स में भी था तो आपने देख भी लिया। अब अगर बात करें इसके आगे, तो अब देखिए होता क्या है, आप याद कीजिए, तो एक पार्ट हमारा डायफ्राम भी था। और मैंने कहा था कि लंग जो होता है वो नियरली कोन शेप्ड होता है और उसका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो ऐसे एक डायफ्राम पर होता है। डायफ्राम याद होगा आपको,
नीचे एक डायफ्राम, डायफ्राम आप बायोडायवर्सिटी में भी पढ़ चुके हैं, डायफ्राम हमारे डायफ्राम हमारे थोरॉइड कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम मस्कुलर डायफ्राम कहते हैं। ये हमको पता है, हमें पता, हमारा जो बॉडी कैविटी है वो दो पार्ट्स में है, नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाला थोरॉइड कैविटी या जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। हमारा जो लंग है या हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो किस में मौजूद है, थ्रोइड कैविटी में मौजूद है या चेस्ट कैविटी में मौजूद है, और एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा, और उसके नीचे में अगर जाओगे तो पेल्विक कैविटी होगा। हाँ, वो जो बोन्स होते हैं पेल्विक बोन्स जिसे कहते हैं, ये जो यहाँ पर तो पेल्विक बोन्स होता है उसे पेल्विक कैविटी भी कहते हैं। चलिए उसको छोड़ते हैं, अभी जब हम एक्सक्रीशन में जाएंगे तो वहाँ किडनी जब पढ़ेंगे तो पेल्विक कैविटी पे कुछ बात करेंगे। यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो डायफ्राम होता है तो लंग्स का अंदर वाला डायफ्राम, और लंग जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे हम पिल्यूरा कहते हैं, और दोनों दोनों पिल्यूरा के बीच में, यानी दो मेम्ब्रेन जो है पिल्यूरा के दो मेम्ब्रेन, उनके बीच में एक फ्लूड भरा होता है जिसे हम पिल्यूरल फ्लूड कहते हैं, जो जब लंग जब कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, क्योंकि लंग जो है जब हम इनहेल करेंगे तो लंग साइज में बड़ा होगा, और जब हम एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस बाहर छोड़ेंगे तो लंग छोटा होगा, तो वो मेम्ब्रेन रगर खाएगा एक दूसरे से, तो उस रगर को, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा कौन, पिल्यूरल फ्लूड, और मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करेगा। और हमारे लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है, यानी कि बोन का एक केज बना हुआ है, देखिए ये रिब केज है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, हम जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो कैसे होता है, हम कैसे सांस लेते हैं और हम कैसे सांस छोड़ते हैं, उसे आज हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, कई बार मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा किया जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो आप पहले समझ लेंगे तो लिख ही लेंगे। तो पहले समझते हैं, देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इनहेल कैसे करते हैं, और फिर हम समझेंगे एक्सहेल कैसे करते हैं। देखिए होता क्या है, तो हमारा यह रिब केज है और यहां पर डायफ्राम लगा हुआ है। तो होगा क्या, जब हमें इनहेल करना होगा तो देखिए ये जो हमारा डूम शेप्ड डायफ्राम, इसे हम डूम शेप्ड डायफ्राम कहते हैं। डूम शेप्ड कहने का मतलब, देख रहे हैं ये डायफ्राम क्या है, थोड़ा सा डी शेप्ड ऊपर की ओर ऐसे है। तो जब क्या होगा, जब हमें इनहेल करना होगा तो ये डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। यानी ये डायफ्राम जो यू था वो क्या होगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे होगा तो क्या होगा, ये एब्डोमिनल कैविटी की ओर पुश होगा, तो एब्डोमिनल कैविटी की ओर पुश होगा, और जो हमारा रिब केज है उससे जो जुड़े हुए मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारा जो रिब केज है वो भी एक्सपेंड करेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए इस 3D शेप को, ये रिब केज और नीचे में ये डायफ्राम। अब क्या हो रहा है, जब इनहेल करना है तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है, तो ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, और जो हमारा रिब केज है वो भी, उसके भी मसल कंट्रैक्ट करते, वो भी एक्सपेंड कर गया। तो इसके अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। डायफ्राम नीचे गया और रिब केज फैल गया, तो अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ गया। और जो ही वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा ना। जो ही आपका जो डायफ्राम था वो नीचे गया और आपका जो रिब केज का जो मसल था वो कंट्रैक्ट किया, तो रिब केज भी एक्सपेंड किया। तो रिब केज यू था तो वो यू हुआ, और ये ऐसे था इसमें धंसा हुआ, मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए, यहां पर ऐसे मान लीजिए ऐसे था और यहां नीचे में डूब सकते, ये भी ऐसे हुआ और ये भी एक्सपेंड किया, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ा ना बुआ, वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जो ही प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर क्या है, एक फ्लूइड है, एक गैस है, और गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाता है। आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो हवा जो बहती है, विंड जो बहती है, वो कैसे बहती है, वो हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन की तरफ बहती है। तो ठीक उसी तरह क्या हुआ, हमारे डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से और रिब केज के एक्सपेंड करने की वजह से हमारा थोरॉइड कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, हमारा प्रेशर, अंदर का जो एयर प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया, और जो ही एयर प्रेशर डिक्रीज किया, और बाहर में एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एयर है तो बाहर में प्रेशर ज्यादा है और अंदर में प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, हवा नॉस्टिल्स से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। तो लंग, हवा कहां आ गया, लंग के अंदर, और जो ही हवा अंदर आएगा तो जो एल्वियोला है वो क्या करेगा, ऐसे फूल जाएगा, और एल्वियोला जब फूलेगा तो ये जो अंदर में हवा आया वो एनवायरमेंट से आया, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर होगा, तो क्या करेगा, ब्लड इसमें से खटाखट 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 ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होना शुरू होगा, यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल, ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर जो एयर मौजूद है, एल्वियोलाई के अंदर जो एयर मौजूद है, यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये मान लीजिए एल्वियोलाई है,
तो एल्वियोलाई और यहां पर मान लीजिए कि ब्लड का नेटवर्क है, तो क्या होगा, एल्वियोलाई से ब्लड ऑक्सीजन निकल निकल के ब्लड में आना शुरू होगा। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अधिक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल निकल के एल्वियोलाई में जाना शुरू होगा, बिल्कुल। और तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, अब तो इनहेल तो हो गया, अब हमें क्या करना, तो समझ में आया इनहेल कैसे होगा, फिर से मैं समझाता हूं दो लाइन में। डूम शेप डायफ्राम फ्लैटेंड हुआ, रिब मसल्स के कंट्रैक्ट करने की वजह से रिब केज एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ, एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर इन्वायरमेंट से रश कर गया लंग के अंदर, यानी अंदर चला गया लंग के अंदर, सिंपल इनहेल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्सहेल, यानी कि हवा बाहर, इतना देर में क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अब क्या होगा, एक्सहेल होगा, एक्सहेल में क्या होगा, जो डायफ्राम है जो फ्लैटेंड हो चुका है वो फिर से डूम शेप हो जाएगा, यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जो तुम्हारा रिब केज का मसल्स कंट्रैक्ट करके रिब केज को एक्सपेंड किया था वो रिलैक्स कर जाएगा, तो तुम्हारा रिब केज फिर कंट्रैक्ट करेगा। अब क्या हुआ, रिब केज कंट्रैक्ट किया और डायफ्राम डूम शेप हुआ, तो तुम्हारे अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, थोरैक कैविटी छोटा हुआ ना, थोरैक कैविटी जो ही छोटा हुआ तो अब उतना ही गैस को रखने के लिए कम जगह है, पहले ज्यादा जगह था, फैला हुआ था तो ज्यादा जगह था, अब कम, अब कंट्रैक्ट किया तो जगह कम हो गया, तो जो ही जगह कम हुआ तो वॉल्यूम प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो ही प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपको पता है एयर कहां से कहां भागता है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो अंदर से हवा निकल के कहां चला जाएगा, एनवायरमेंट में, एक्सहेल हो गया, ऐसा समझ में। यानी डायफ्राम का डूम से फिर से हो जाना और रिब केज से अटैच रिब मसल्स हैं उसके रिलैक्स करने की वजह से थोरैक कैविटी क्या हो गया, कंट्रैक्ट कर गया, ड्यू टू विच एयर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और एयर प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से लंग के अंदर भरा हुआ हवा जो है वो बाहर चला गया, एक्सहेल हो गया, तो हमने एक्सहेल कर लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैं कुछ बातें तो आप शायद समझ गए होंगे, मैं एक बार पहले नोट में क्या लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूं, तो थोड़ा वो आपका और क्लियर हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पर आगे कुछ बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ इस पर बात और करना है हमें, तो अगर कुछ बात और करें जैसे कि मान लीजिए कि रेसिडुअल वॉल्यूम या कुछ और बातें हैं जो हमें करना है, लेकिन हम पहले मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, क्लियर। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम एंड द मसल्स अटैच टू द रिब्स कंट्रैक्ट ड्यू टू विच थोरैक कैविटी एक्सपैंड्स, यानी रिब केज से अटैच मटल और डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिब केज एक्सपैंड करता है या थोरैक कैविटी एक्सपैंड करता है, थोरैक कैविटी एक्सपैंड्स एंड द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, एयर के लंग के अंदर में जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर गया। एज अ रिजल्ट द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर से एयर कहां आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। नाउ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, अब क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम दिस एयर एंड ट्रांसपोर्ट टू ईच सेल फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरे बॉडी के हर एक सेल तक, किसके लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, यानी कि वो जो दो स्टेप था सेल के अंदर जो क्रिब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस वाला, हाँ वो, फिर उसके बाद अब सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाएगा, तो आफ्टर सेलुलर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन का चौथा स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय ब्लड फ्रॉम सेल, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम सेल एंड कैरीड टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, यानी कि वहां से ब्लड क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और कहां लाएगा, लंग तक लाएगा। यहां एक बात नोट करने की है बाबू, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन है, वही हेमोग्लोबिन क्या करता है, ले जाता है किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए कोई कैरियर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर आता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके ब्लड के अंदर एक स्पेशल ब्लड सेल है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर में मौजूद है एक रेड पिगमेंट, नाम है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी रेड है और आरबीसी के रेड होने की वजह से भी ब्लड रेड है, आपको पता है ये बात। तो
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? हेमोग्लोबिन का है, या कह सकते हैं कि आरबीसी का है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लाना आरबीसी का काम नहीं है। कई आदमी ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लाना भी आरबीसी का काम है। नो, ऑक्सीजन ले जाना किसका काम है? आरबीसी का। और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर। यानी कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एक वाटर डिजॉल्विंग गैस है। आप जो पीते हैं स्प्राइट, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर डिजॉल्विंग गैस है। तो वो क्या होगा, प्लाज्मा में घुल जाएगा, और घुल करके कहां तक आएगा? एल्वियोलाई तक आएगा, लंग के एल्वियोलाई तक आएगा। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा। ओके ना, हाँ ये याद रखिएगा। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम सेल एंड कैरी टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स तक आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा लिखा, एट दिस स्टेज थोरैक कैविटी रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज ड्यू टू रिलैक्सिंग ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स। यानी कि क्या होगा, अब लंग का जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स कर जाएगा, यानी फिर से डूम शेप्ड हो जाएगा, और जो रिब मसल्स है वो भी रिलैक्स कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिब केज कंट्रैक्ट करेगा। यानी कि थोरैक कैविटी क्या हो जाएगा, साइज में नॉर्मल हो जाएगा, जैसा कि वो पहले था, इनहेल करने से पहले था। इनहेल करते वक्त वो बड़ा हुआ था ना, तो फिर से क्या हो गया, पुराने शेप में हो गया। ड्यू टू विच द एयर प्रेशर इन साइड द लंग इंक्रीजेज। यानी कि लंग के अंदर जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और लंग के अंदर में जो एयर प्रेशर बढ़ेगा, तो आपको पता है एयर कहां से कहां भागता है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो अब अंदर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर में कम प्रेशर है, तो एयर क्या होगा, लंग से बाहर आ जाएगा। और कैसे आएगा, वही एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाय, ब्रोंकाय से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज से नॉस्टिल्स से होके बाहर। यानी जिस रास्ते से अंदर गया था उसी रास्ते से बाहर आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल डबल ओपनिंग वाला ट्रैक था, रिस्पायरेटरी ट्रैक सिंगल ओपनिंग वाला है, नोज एकमात्र ओपनिंग है। ओके, लिंक कर गए होंगे आप, नहीं भी आए कोई बात नहीं, समझ गए ना कैसे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में जब रिवाइज करवाएंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लास में जब रिवाइज करवाएंगे तो हो ही जाएगा, तो कोई ऐसा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा तो है। अरे, रिब मसल कंट्रैक्ट किया, डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया, थोरैक कैविटी साइज में बड़ा हो गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया, हवा चूंकि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है तो बाहर से अंदर आ गया, इनहेल हो गया, और फिर से डायफ्राम पुराने शेप में आ गया, यानी कि फिर से डूम शेप्ड हो गया, रिब मसल्स फिर से क्या कर गई, रिलैक्स कर गई, तो क्या हुआ, थोरैक कैविटी साइज में छोटा हो गया, जिसकी वजह से लंग के अंदर में एयर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हवा फिर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो फिर से क्या होगा, लंग से हवा बाहर चली गई, इनहेल हो गया। यही तो मैकेनिज्म है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब यहां पर मैं कुछ बातें कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब हम एक्सहेल कर देते हैं, कर दिए तो हवा बाहर निकल गया, लेकिन हवा बाहर निकलने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि लंग खाली हो गया। जब आप एक्सहेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि लंग पूरा खाली हो जाता है, लंग के अंदर फिर भी हवा रहता ही है। हवा का कुछ वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद भी लंग में मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या कहा मैंने कहा कि जब आपने एक्सहेल कर दिया, तब जब आप एक्सहेल करते हैं तो सारा एयर बाहर नहीं आ जाता है, कुछ एयर अभी भी लंग के अंदर मौजूद है, और उस एयर को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। और वो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो बड़ा काम का है। अब आप कहोगे, सर वो किस काम का है? वो इस काम का है बुआ, कि तुम अब एक्सहेल कर दिया लेकिन तुम्हारे लंग के अंदर अभी भी हवा है, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर अभी भी हवा है, यानी गैसेस एक्सचेंज अभी भी कंटिन्यूअस है। आप ये मत सोचिएगा कि जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं उसी के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। नो, गैसेस एक्सचेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई इवन व्हेन यू एक्सहेल। जब आप एक्सहेल भी कर देते हैं तब भी एल्वियोलाई के अंदर थोड़ा बहुत हवा बचा ही रहता है, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं, और वो एयर वहां मौजूद ही है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का खेल हो ही रहा है, तो गैसेस एक्सचेंज तो कंटिन्यूअस हो गया ना। यानी ब्रीदिंग भले ही एक पीरियोडिक हो, लेकिन गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूअस चलता रहता है, किसके किसके बीच, एल्वियोलाई के अंदर मौजूद एयर और ब्लड के बीच। जब आप एक्सहेल कर देते हैं फिर भी एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एयर मौजूद होता है, और उस एयर को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर,
हम लिखेंगे ड्यू टू रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ड्यू टू व्हिच गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूज ऑलवेज, यानी कि हमेशा वो चलता रहता है। आगे समझ में? ओके ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यही था हमारा। अगर और बात करें तो ब्रीदिंग जो है हमारा एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस मतलब कि हमारे हक में नहीं है, हमारे वश में नहीं है कि हम उसको मतलब रोक नहीं सकते, या इनवॉलेंट्री है यानी कि ब्लड ब्रेन हमारा खुद ब खुद करता है। हमें याद नहीं रखना, हमें थोड़ी याद रखना पड़ता है कि सांस लेना है, पता चला याद रखना पड़ता है सांस लेना है, पता चला रात को सोते मर जाते हैं, क्योंकि रात को सो जाते हैं तो फिर पता कैसे चलता है कि सांस लेते रहना है। याद रखना थोड़ी पड़ता है, जैसे हार्ट धड़कते रहना है, धड़कते रहता है वो, सांस लेते रहना है वो होते रहता है, उसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी ब्रेन ऑटोनोमस करता है उसको, हमारे हमारे अंदर में कंट्रोल में उसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे हमें बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, याद रखना पड़ता है ना वो, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी हम एक्शंस करते हैं जो हमारे बस में है, आप जानते हैं वो, हम लोग जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। तो ब्रीदिंग कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस इन नॉर्मल, अगर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में देखे तो वो 15-20 बार ब्रीदिंग रेट होता है उसका, यानी कि 1 मिनट में लगभग वो 15-20 टाइम्स वो ब्रीद करता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट मिला के उसका 15-20 उसका नॉर्मल ह्यूमन का ये ब्रीदिंग रेट है। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग रेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज 15-20 टाइम्स पर मिनट। अच्छा एक बात और, हाँ, और लेकिन जब हम हैवी वर्क करेंगे, जब हम दौड़ेंगे धूपेंगे या कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ना ही चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन नीड बढ़ जाएगा ना। अगर हम कोई हैवी वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी का ऑक्सीजन नीड बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी खर्च होगा ना। जब आप हैवी वर्क कीजिएगा तो एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपके बॉडी का बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो जब भी हम कोई हैवी वर्क करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है टू फुलफिल द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक, अब एक बात यह है कि जो हमारा इनहेल्ड एयर है और एक्सहेल्ड एयर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बात है कि जो हमारा इनहेल और इसे मैं इरेज कर देता हूं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो अगर बाबू तो आप पूछिएगा, निश्चित पूछिएगा। जो आपका ग्रुप है उसमें ग्रुप लिंक आज डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो प्रॉब्लम डेस्क वाला, वो ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो अगर मैं देखूं दोनों तरफ इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में, देखिए इनहेल्ड एयर जो है वो भी एयर ही है और एक्सहेल्ड एयर जो है वो भी एयर ही है। हाँ बात बिल्कुल सही बात है, दोनों एयर ही है। बस अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है बाबू कि गैसेस गैस का जो प्रोपोर्शन है वो अलग है, यानी गैस का जो रेशियो है वो अलग है। अगर इनहेल्ड एयर में आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर कंपोनेंट है, नियरली 78%, तो इनहेल्ड एयर में 78% नाइट्रोजन होता है और एक्सहेल्ड एयर में भी जो नाइट्रोजन होता है वो 78% ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना नाइट्रोजन अंदर गया उतना ही नाइट्रोजन बाहर आ गया, यानी कि इसे कोई मतलब नहीं है। रिस्पिरेटरी गैस, आपको पता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है ना, तो एल्वियोलाई के पास भी जो ट्रांसपोर्ट जहां हुआ होगा तो सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, तो नाइट्रोजन को अंदर बाहर होने ही नहीं दिया होगा, रुक दिया होगा वहां पे सेलेक्टिवली परमिएबल की वजह से। तो नाइट्रोजन 78% इनहेल्ड में भी एक्सहेल्ड में भी, यानी नाइट्रोजन कंटेंट में कोई अंतर नहीं पड़ा। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में आप जानते हैं 21% के आसपास हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन जो होगा वो इनहेल्ड एयर में होगा, और जो एक्सहेल्ड एयर है आपका उसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो ऑक्सीजन कंटेंट घटना चाहिए, बिल्कुल घटेगा, और देखा गया कि नियरली 16.4% के आसपास में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, यानी देखिए लगभग 5% या 4.6% के आसपास क्या हो गया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया, तो ऑक्सीजन कम गया, कमना ही चाहिए क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ होगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एज यू नो कि हमारे एनवायरमेंट में नियरली 0.04% के आसपास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम इनहेल करेंगे तो इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, और जब वहां से बाहर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नियरली 4.4% के आसपास होगा, यानी कि 4.4% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ गया। और अगर आप वेपर की बात करें, वाटर वेपर की, मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर इसमें बहुत कम होता है, छोटा सा, जितना जैसा एयर होगा लिटिल, बहुत कम। जैसे बरसात का पानी है तो ज्यादा होगा, गर्मी महीना में ज्यादा होगा, ठंडी महीना में बहुत कम होगा, तो मॉइस्चर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसमें जो मॉइस्चर होता है,
मॉइस्चर होता है वो अलॉट यानी बहुत ज्यादा होता है, किसमें? एक्सहेल लेयर में, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि ब्लड बॉडी के अंदर से आ रहा है तो ह्यूमिडिटी तो वहां रास्ते में हर जगह, आपको पता है कि नेसल पैसेज में भी म्यूकस है, ट्रेकिया में भी म्यूकस है, तो एयर जब आते रहेगा तो मॉइस्चर तो उसके साथ मिक्स हो ही जाएगा। तो जो एक्सहेल लेयर होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इनहेल्ड में कम होता है। बस देखिए आप, तो ऑक्सीजन कंटेंट घट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहा है। तो इनहेल्ड और एक्सहेल लेयर दोनों जो है, दोनों में गैसेज मौजूद होती है, दोनों गैसेज का मिक्सचर है, अंतर बस यही है कि दोनों में गैसेज का रेशियो अलग अलग होता है। जो इनहेल्ड लेयर है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मतलब 21% के आसपास, और एक्सहेल में 16.4%। तो ऑक्सीजन कंटेंट घटा और देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ा। आपके दिमाग में आ सकता है, सर फिर भी इस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% है, ऑक्सीजन 16.4% है। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो 21 का 20% 1% एब्जॉर्ब हो जाए? ऐसा नहीं होता है, कुछ ही पोर्शन एब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन का भी एक प्रोसेस होता है ना, डिफ्यूजन कब तक? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ना नहीं समझ रहे हो? तो मतलब ब्लड के अंदर में भी कंसंट्रेशन जितना रहेगा उसी के हिसाब से ना जाएगा, तो पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए कि पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो, यानी कि हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, 16.4% अभी भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ गया। ओके ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, हम जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैसे साबित करोगे? तो साबित कर सकते हो, बिल्कुल। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने का मेथड, आपको मैंने बताया था दो गैसेज पहचानना आपको आना चाहिए, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेज 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये दो गैसेज पहचानना आना ही चाहिए। हाइड्रोजन को कैसे पहचानोगे? हाइड्रोजन का जो गैस होता है वो पॉप साउंड के साथ जलता है, बस ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये हो गया आपके हाइड्रोजन का पहचानने का तरीका। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहचानोगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने का तरीका है कि जब उसे लाइम वाटर से पास करते हैं तो उसे मिल्की व्हाइट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि कलर में व्हाइट होता है। नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में हम लोग जाएंगे इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर जानते हो ना, चूना पानी, चूना का पानी, हाँ, जो चूना घोल दोगे पानी में तो पड़ने पानी जैसा, देखते हैं ना आप चूना जब पुताई होते रहता है तो जब शुरू में पुताई किया जाता है तो क्या रहता है, एकदम पानी पानी जैसा लगता है, कुछ देर के बाद वही चूना क्या हो जाता है, एकदम चमकने लगता है। जब लाइम वाटर करते हैं, लाइम जब चूना से पेंटिंग करते रहता है कोई दवा लवाल का, तो शुरू में करता है तो कितना लगता है कि नहीं क्या पेंटिंग का हुआ, कुछ पता कहाँ चला, लेकिन फिर वही जब बाद में कुछ समय छोड़ दिया जाता है तो एकदम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ऐसे पोत के छोड़ देगा तो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाएगा तो वो क्या दिखेगा, एकदम व्हाइट दिखने लगेगा। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का तरीका है कि लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो उसे मिल्की व्हाइट कर देता है। तो हम जो एक्सहेल एयर कर मतलब एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर कोई हमें साबित करने के लिए कहे, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे एक ग्लास में, एक स्ट्रॉ लेंगे, स्ट्रॉ को उसमें डुबा देंगे और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसको उसमें फूकेंगे तो बुलबुला जैसे निकलेगा, तो आप देखेंगे वो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया, जिससे ये साबित होता है कि हम जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की व्हाइट, एंड व्हेन वी पास द एक्सहेल्ड एयर थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की व्हाइट, व्हिच मींस एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपके नोट में भी लिखा हुआ है ये लाइन कि द एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, व्हेन एक्सहेल्ड एयर इज पास थ्रू द लाइम वाटर देन इट बिकम्स मिल्की व्हाइट, व्हिच प्रूव दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सहेल लेयर और इनहेल लेयर का कंसेप्ट था, शायद आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सबसे आखिरी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, ये हमारा चैप्टर का, ये चैप्टर नहीं, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये समझिए। देखिए कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर कार्बन इनसफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, यानी कि जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगा उसको, वो प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। देखिए यहां पर ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन के इनसफिशियंट सप्लाई में जब जलता है कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या है, अगर हम जो एयर इनहेल्ड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो खेल बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जवाबदेही है वो किसके ऊपर है, RBC के ऊपर है, या अगर कहा जाए तो हेमोग्लोबिन के ऊपर है।
तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा हेमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है सेल तक, यानी ऑक्सीजन से बंध जाता है। लेकिन होता क्या है, गड़बड़ी क्या है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी, एफिनिटी मतलब उसका जो एफिनिटी मतलब समझ, एफिनिटी कहते हैं उससे हमारा एफिनिटी अधिक है, एफिनिटी यानी कि उससे उसका ज्यादा किसके उसके उसके प्रति मेरा एफिनिटी ज्यादा है, आप समझ गए होंगे एफिनिटी। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यानी कि अगर उसको ऑक्सीजन भी मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा तो हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो अगर हम जो एयर इनहेल किए उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है तो तुम्हारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के किसको पकड़ना शुरू करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा बॉडी के अंदर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो ले गया बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन को जाना चाहिए था ना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं गया, गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गया, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे किसी काम का है ही नहीं, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस ऑक्सीजन को जाना था आरबीसी के साथ बॉडी के सेल के तक, अब क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। और जो ही ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो एज यू नो कि हमारे बॉडी में सबसे अधिक ऑक्सीजन किसको चाहिए, ब्रेन को, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ब्रेन में जो ही ऑक्सीजन की कमी होगी ब्रेन का एनर्जी सप्लाई घटेगा, ब्रेन अनकॉन्शियस होगा, यानी कि आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और अगर लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहा, यानी लंबे समय तक आप इनहेल जो एयर कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लंबे समय तक ज्यादा मौजूद रही, तो आप मर भी सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और ये सारा खेल इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो हेमोग्लोबिन है, जो हमारे आरबीसी का हेमोग्लोबिन है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा किसके लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो देखिए आपके नोट में लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार, कि द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट हेमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाओ, हाँ, मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि उसकी जो एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा है, लगाओ उसका कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ड्यू टू विच इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन इनहेल लेयर देन द हेमोग्लोबिन बाइंड्स स्ट्रांगली विथ कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन टू आवर बॉडी, यानी कि वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हेमोग्लोबिन बंध जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। As a result, our body has insufficient supply of oxygen, and if this happens for a long time, यानी कि अगर ये लंबे समय तक हुआ, then the person becomes unconscious, यानी कि person क्या होगा, unconscious हो जाएगा, यानी कि बेहोश हो जाएगा, and if continues, then he may even die, यानी कि वो मर भी सकता है। इसी को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आप नहीं मरिएगा, आप मरिएगा किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़े आपके बॉडी के अंदर जाके मार दिया आपको, आप मरे किसकी वजह से, आप तो इसलिए मरे, आप नहीं मरेंगे, आपकी बात नहीं कर रहे, कहने का मतलब ह्यूमन, वो जो मरा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में वो मरा तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मरा, हाँ मरा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, लेकिन बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहर का काम नहीं किया, जहर का काम कौन किया, ऑक्सीजन की कमी ने किया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप मर गए ना, इसी को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। अब आप कहेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं, हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना था, तो फिर उसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा एफिनिटी क्यों रखता है, कोई आंसर नहीं है, वो रखता है बस हो गया, बायोलॉजी में क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको रिस्पायरेशन पूरी तरह से समझ में आ गया हो। तो यही हमारे रिस्पायरेशन का आखिरी टॉपिक था, तो पूरा रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, और तब तक में शायद लॉकडाउन भी खुल जाए। तो ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।